हे, क्या आप भी इस तरीके का कोई साइड टेबल बनाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं इस तरीके से आप एनिमेट होते हुए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें कि मैंने इसे कैसे बनाया है और आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारा साइड टेबल होता है उसका स्टैंडर्ड साइज 2 फुट बाई 1.5 फुट होता है। तो मैं यहाँ 2 फुट बाई 1.5 फुट का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर अपना डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है, ताकि इसके पैरामीटर के अंदर ही रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम फ्रेम बना लेते हैं। जैसे कि हमारा जो हमारी प्लाई होती है वो 0.75 इंचेस की, एंड उसके बाद हम इसे 2 इंच का थिक रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आउटर फ्रेम बनेगा और उसके बाद हम फिर इसके सारे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे रोटेट कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं एक जगह पे। तो अब इसके सहारे हम आगे बढ़ेंगे। हाइट हम 18 इंच रख रहे हैं, उसके बाद इसे हम 2 इंच का हम चारों साइड से घुमा रहे हैं, तो हम इसे 2 इंच ही रखेंगे, ठीक है। अब इसे 0.75 रखेंगे इधर से, क्योंकि इसका फ्रेम बनाना ही सबसे मेन चीज़ है। अगर फ्रेम सही से बन गया तो बात बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम ज़्यादा रखेंगे ताकि वो अंदर रहे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पैर वगैरह टन ना टकराए इसमें। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रेम बन गया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा एजेस हैं इन्हें हटा लेते हैं हम। ध्यान से आप चारों तरफ चेक कर लीजिए तो कि आपकी लाइनें वगैरह बची तो नहीं है, जैसे नीचे भी, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमारा फ्रेम बन गया है। तो फ्रेम को अब स्मूथ करने के लिए हम कॉर्नर्स को राउंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे राउंड कर लेता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 इंच बाई 1 इंच का एक रेक्टेंगल बना ले रहे हैं यहाँ पे, 1.1 कर लेते हैं। अब इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्कल को सिलेक्ट किया, थोड़ा स्मूथ करने के लिए मैं इसे और बढ़ा दे रहा हूँ, तो इसे हम कर देते हैं 48, ठीक है। इसी को मैं सेम मिरर कर दूंगा ताकि मेरे लिए आसान हो, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और हम मिरर कर देंगे इसके सारे। आपके पास कोई सा भी मिरर है तो उसे यूज़ कर सकते हैं, इनली मेरे पास सिंपल मिरर है तो मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इन्हीं दोनों को साथ में कॉपी करके नीचे भी ले आएंगे, ठीक है, ताकि नीचे भी साथ के साथ हमारी चीज़ें बन जाएंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से सेट। अब जो चीज़ें हमें कट करनी है, जैसे आउटर वाला एरिया, तो उसे हम कट कर ले रहे हैं। और ये जो कॉर्नर सब इसके अंदर दिख रहे हैं उन्हें भी हम हटा लेंगे। मैंने बैक साइड के तो सारे कॉर्नर सही कर लिए, अब यहाँ के भी कॉर्नर्स को सही कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं 1.5 इंच का रख लेता हूँ और इधर से भी 1.5 इंच का, ठीक है। इंटरनल साइड में मैं क्या करूँगा कि मैं 1 इंच का ही रखूँगा यहाँ पे और 1 इंच, ठीक है। तो अब हम अपना सर्कल बना लेते हैं। ये देखें, ठीक है, इसी को जस्ट हम कॉपी कर लेंगे दूसरी साइड एंड फिर सेम इसे मिरर कर लेंगे, ठीक है। नीचे का एरिया क्योंकि बड़ा था, नीचे हमने 3 इंच का ये दिया था, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मूव करके यहाँ रख ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये चीज़ सेट हो जाए। ऐसे यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हटा ही देते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अभी इस तरीके से स्मूथ करना है तो आप इसे अपने इरेजर को ही यूज़ कर सकते हैं। स्केचअप 2023 के अंदर जो भी चीज़ें नई आई हैं उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से जाके चेकआउट करें, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें बढ़ते हैं आगे अपने स्मूथ करने के लिए। तो इसे भी सही कर लेते हैं अपना कॉर्नर एज इसको। तो ये 2023 में इस तरीके से आया है कि आप इरेजर से इसे इरेज करें तो ईज़िली स्मूथ इरेज होगा, ठीक है, और बिना किसी के छूटे हुए,
ठीक है, तो ये देखिए हमने इसे स्मूथ कर लिया है, अपना राउंड कॉर्नर वगैरह तो बना लिया है। फिर अब इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे हटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे सेट होने वाली एक बॉक्स लगाएंगे जो कि हमारा नीचे ड्रॉअर का काम करेगा। ठीक है, मैंने इसे 1 इंच पीछे खसका दिया है। मैं पहले इसे यहाँ लेके आ जाता हूँ, फिर उसके बाद इस पर देखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, तो इसे हम बनाते हैं। आगे इस पर स्टार्ट करते हैं, इसे मैं 6 इंच ऊपर कर ले रहा हूँ, 6 इंचज का हमारा ये ड्रॉअर होगा। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि दोनों मेरे जो ग्रुप हैं वो एक्चुअली में सॉलिड है या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें अगर आपका जैसे आप मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये सिर्फ ग्रुप है। ठीक है, जबकि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा सॉलिड ग्रुप है। अगर इसके बारे में भी पता नहीं है कि क्यों ये डिफरेंस आ रहा है तो आप मेरी दूसरी वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे देखता हूँ, अब मैं चेक करना बताता हूँ। जैसे इसे पूरे को सिलेक्ट किया एंड मैं इसे फ्रेम डालूँगा, तो हो सकता है कि इसके अंदर ना कहीं लाइनें बची हुई हो जिसकी वजह से ये सॉलिड ग्रुप नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि कहाँ पे वो लाइन है। ये देखिए छोटे छोटे जो डॉट्स हैं बहुत सारे वो बचे हुए हैं इसमें, तो अब देखिए ये सॉलिड ग्रुप है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ हिडन लाइंस वगैरह जो रहती हैं वो बच जाती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसे साइड में लगा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसे बंद कर देते हैं, ये बंद हो गया। इन सब को सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं इन्हें, एक्स्ट्रा जो लाइंस है हमारी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सॉलिड टूल के यूज़ मदद से यहाँ पे ट्रिम करूँगा, तो पहले ये और दूसरा ये करूँगा। तो अब देखेंगे आप कि ये सॉलिड है और जो हमारा बॉक्स है वो दोनों कॉर्नर से ट्रिम हो चुका है, जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे था। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ड्रॉअर्स वगैरह बनाएंगे, तो वो चीज़ हम कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए ये हमारा सामने से ये बन चुका है। अब इसमें एक और चीज़ है कि इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए एक टॉप आएगा पत्थर का। ठीक है, तो ये हमारा स्टोन भी ऊपर का बन चुका है और ये स्टोन भी आगे आएगा, तो मैं इसे आगे कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का टॉप बन गया, बेस बन गया और नीचे ये भी बन गया हमारा। तो इसके बाद अब आते हैं हमारा ग्लास जो है उसे भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एज इज हम हटा देंगे एक्स्ट्रा जो है। ठीक है, और इसे पीछे से कट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे इसे सिलेक्ट करते हैं, सबको सिलेक्ट किया एंड राउंड कॉर्नर पे आते हैं और इसे 1/8 कर लेते हैं। ठीक है, और ओके करते हैं। इसे प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये देखिए ये हमारा हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपना जो ट्रिम है उसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिम करते हैं। सबसे पहला ये हो गया हमारा और दूसरा ये हो गया।
तो अब देखिएगा आप कि यहाँ पे एक अंतर ग्रुप भी बन गया, जिसकी वजह से अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्लास है वो यहाँ आके अटकेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम मटेरियल डाल देते हैं इसमें थोड़ा ग्लास का। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, लास्ट अपना इसका जो बेस कलर है इसे भी थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं अपना DBS का मूव रोटेट। अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो एनिमेशन बनाने के लिए ये वीडियो, ये टूल काफ़ी अच्छी है। आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो एक तरीके से, ठीक है, आप किसी को दिखा रहे हो तो उस टाइम आपके लिए ज़रूरी है, जैसे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम अपना या इसे यूज़ करें तो जैसे हम सेटिंग पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और ठीक है स्लाइड करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है एक्सिस सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम एक्सिस सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमें इसे चलाना है। ठीक है, जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे एक एरो बाहर आया है और उसे हम इसे सेलेक्ट करके ठीक है इतना बाहर निकालेंगे और उसके बाद फिर इस यहाँ पे आके हम इसे सेट ओपन पे करेंगे एंड ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही हम यहाँ आएंगे इसे क्लोज़ करेंगे तो ये देखिए ये क्लोज़ हो गया और ये ओपन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपको अगर अब लगता है कि ये वीडियो, ये टेबल मुझे अच्छी लग रही है, मुझे कहीं यूज़ करना है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे स्केचअप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।